हत्या के चश्मदीद गवाह के साथ मारपीट कर वाहनों में तोड़फोड़ काले मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। छलावड़ शहर में तमोली मोहल्ला बादाम गुजर की गली निवासी युवक वाहिद से रुपये मांगने नहीं देने पर मारपीट करने वाले व घर में घुसकर तोड़फोड़ सहित अन्य तोड़फोड़ का नुकसान पहुंचाने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया है। वाहिद हत्या के मामले में भी गवाह बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने बताया कि 5 नवंबर को फरियादी वाहिद खान निवासी तमोली मोहल्ला बादाम गुजर की गली छलावाड़ ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट। बताया कि 12:30 बजे करीब की बात है, मैं अपने मोहल्ले में चौराहे पर खड़ा था। वहां पर अरबाज निवासी हबीब नगर और उसके पीछे साहिल दोनों बाइक से आए और रोक कर मुझसे कहा कि तूने इरशाद लाला हत्याकांड में गवाही गलत दी है, तुझे 10,000 रुपये देने होंगे। इतने में 2 बाइकों पर समीर फैजान गोलू शिबू भी आए। मैंने कहा कि मैं किस बात के रुपये दूँ, मैं जिन्हें जो देखा है वही गवाही दी है, मैं गलत गवाही क्यों दूँ, तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर मैं जाने लगा तो अरबाज व बिट्टू कबूतर ने मुझे पकड़कर मेरे साथ लकड़ियों से मारपीट की। वहीं अन्य आरोपियों ने भी मारपीट की। 2019 में इरशाद लाला हत्याकांड में गवाही देने से पुरानी रंजिश को लेकर ये घटना कारित की गई है। इस पर प्रकरण दर्ज कर घटनास्थल सीसीटीवी कैमरे में चेक कर अभियुक्त की पहचान करने के बाद कोतवाली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला पुरानी रंजिश का है, पुलिस जांच में जुटी हुई। दामोदर जी, झालावाड़ में हबीब नगर और कुछ इलाकों में गाड़ियों को शीशे तोड़ने और कुछ लोगों पर हमला करने का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला है? ये सब कंट्रोल अभय कमान से सूचना मिली थी अभी 12:40 पर कि 5-6 आदमी को मारपीट कर रहे हैं तमोली मोहल्ला हबीब नगर में। तो वहाँ मुझे मौके पर गए, वहाँ पे ये वही दूर चूहा मिला उसके घर के सामने। उसने बताया कि 5-6 आदमी इरशाद लाला वाले हत्याकांड में मैंने गवाही दी थी, तो वो दबाव डाल रहे हैं हम पे कि तेने झूठी तेने गवाही क्यों दी, पैसे दे। इसी बात को लेके वो मैं हमारे घर पर आए, तोड़ फोड़ करके गेट वेट तोड़ के और पैसे वैसे निकाल लिए। हबीब नगर में गाड़ी तोड़ने का मामला भी आ रहा है? हबीब नगर में भी सुनिए, अभी रिपोर्ट मिलते ही वो कार्रवाई करेंगे। हबीब नगर में भी कोई रईस भाई है और एक और वो एक के घर पर भी तोड़ फोड़ करिए, नईम भाई गोलू कर, इनके तो कल अलग मीटर है, वहाँ भी गाड़ी तोड़ फोड़ की सूचना मिलते हैं कार्रवाई की।